हेलो गाइस, एड फॉर यू वाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं मैथ्स का ऐसा दो आइडेंटिटी यानी फार्मूला। बहुत समय हम लोग फार्मूला याद कर लेते हैं, बहुत कम लोग ही वो फार्मूला प्रूफ करते हैं कि वो फार्मूला बनता कैसे है। वीडियो देखने के बाद फार्मूला इतना ईजी बन जाएगा कि आप लोग खुद घर बैठे ही वो फार्मूला प्रूफ कर पाएंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक देके हमारा हौसला बढ़ाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। ध्यान से वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो काट और स्किप ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला है मेरा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है? नेक्स्ट लाइन पे a प्लस बी प्लस सी, इसको ऐसे ही रखना है, डिवाइड बाय करेंगे अगर 2 तो इनटू में करना पड़ेगा 2, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट जाता है तो बचता है a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट लाइन पे जो ब्रैकेट में उसे लिखना है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नेक्स्ट लाइन पे क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, यहाँ पर थर्ड पे कर देना है और 2 जो बाहर था वो 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी ए ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन पे करना है इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 ए स्क्वायर जो है इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मिला क्या आता है 2 ए स्क्वायर। नेक्स्ट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 सी स्क्वायर को लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसे एक लिख दिए। अब माइनस 2 ए बी उसे उसके बाद लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, ये जो बी स्क्वायर है उसे प्लस देके बी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में करना है ये जो 2 बी स्क्वायर को तोड़े थे तो एक बी स्क्वायर बचा है उसे लिखना है, उसके बाद माइनस 2 बी सी, अब यहाँ पर बी लिख दें तो सी बचा तो सी स्क्वायर को लिखना है प्लस देके सी स्क्वायर, फिर से प्लस, अब क्या करेंगे सी स्क्वायर बचा है उसे लिखना है प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी ए, उसके बाद लिखना है ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से ब्रैकेट क्लोज करना है। नेक्स्ट लाइन पे अब लिखना है, ये देखिए यहाँ पर ये एक फॉर्मूला जाता है, ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी फॉर्मूला हो जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे ये ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई है तो लिख सकते हैं 1/2, तो ब्रैकेट में रहेगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर है इसलिए उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस देना है, फिर से ये बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी प्लस सी स्क्वायर यानी बी माइनस सी का होल स्क्वायर
प्लस, अब ये जो है एक फॉर्मूला हो जाता है सी माइनस ए उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा आंसर। सो देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू देखे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया मेरा, यही प्रूफ करना था। उसके बाद नाउ अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पहले लिख दिए, अब यही फॉर्मूला को यहाँ पर बैठाना है। आई मीन टू से दैट ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही वाला चीज जो है इसी को लिखना है लेफ्ट साइड में। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू राइट साइड में जो है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी दोनों कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये बन जाता है मेरा दूसरा फॉर्मूला, ये भी प्रूफ हो गया।